हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे, अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माँ। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है माँ कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ही अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबी जन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हों। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्य वंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। राजीव नयन बोले, राजीव नयन बोले, मधु भरी बानी। राम कहानी सुनो श्री राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम ने मोह बठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो और संग लायो, और
संग लाया प्रभु मुद्रिका निशानी। स्वामी की निशानी है तो क्या सचमुच यहाँ कोई है? भाई जो मेरे प्रभु की कथा मुझे सुना रहे थे वो मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते? अब दिखाई देने वाली या ना दिखाई देने वाली योनि के प्राणी हैं, अब कोई देवता है या मानव, जो भी मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हैं वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मैं ही प्रभु श्रीराम का संदेशा लेकर आया हूं। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं पवन पुत्र हनुमान श्रीराम प्रभु का एक सेवक हूं। मैं समझी थी मेरे स्वामी का कोई दूत आया है, परंतु तुम मायावी लोग झूठे झूठे रूप बनाकर मुझे धोखा दे रहे हो। मुझ पर दया करो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे और मत सताओ। माता शंका न करो, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूँ। मेरा ये सचमुच का रूप है, मैं वानर हूँ। अपना पुत्र जानकर मुझ पर विश्वास करो माँ। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है, ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं एक और गुप्त बात बताता हूं जो मैंने स्वयं श्रीराम के मुंह से सुनी है। आपने रावण के विमान में जाते हुए अपने कुछ आभूषण साड़ी के पल्लू में बांधकर एक पर्वत पर फेंके थे ना? हाँ। वही आभूषण ऋषिमुख पर्वत पर बैठे वानर नरेश सुग्रीव और उनके मंत्रियों के सामने गिरे। जब महाराज सुग्रीव और श्री राम की मित्रता हुई तो सुग्रीव ने जब वही आभूषण प्रभु को दिखाए, उन आभूषणों को देखकर उनकी आंखें भर आईं और साड़ी के पल्लू को देखकर तो वे विह्वल उठे और उसे पकड़कर कहने लगे, जब मैं सोता था तो सीता इसी पल्लू से मुझे पंखा करती थी, जब प्रातः संध्या वंदन से उठता था तो वे यही पल्लू मेरे चरणों में रखकर मेरी चरण रज लेती थी। मुझे ये सब याद है क्या? हाँ माता, सब याद है। वो दिन रात आपकी याद में ही खोए रहते हैं। फिर उन्होंने आज तक मेरी सुधि क्यों नहीं ली? क्यों भुला दिया अपनी दासी को? ये नहीं सोचते कि मेरा एक एक दिन किस प्रकार बीत रहा होगा? न वो आए, न ही मुझे मृत्यु आई। मेरे किस दोष का दंड मुझे मिल रहा है? उस दिन लक्ष्मण की बात तो मान गए, मैंने उसे जो अपशब्द कहे थे क्या उसके कारण उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है? तात, उनसे कहो कि मैं लक्ष्मण से भी क्षमा मांगती हूँ, मैं उनसे भी क्षमा मांगती हूँ। वो तो सब पर दया करते हैं, तो मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? मेरी भूल क्यों क्षमा नहीं करते? भैंस नाक से उतार क्यों नहीं करते? माता, माता, यदि उन्हें पता होता कि आप यहाँ हैं, तो आज तक उन्होंने इस नर को विध्वंस कर दिया होता और आपको मुक्त कराकर ले गए होते। परंतु वे तो आपकी खोज में वन वन भटकते हुए
वानर देश किष्किंधा तक पहुंचे। जब उनकी मृतता महाराज सुग्रीव से हुई तो उनकी सहायता से आपकी खोज आरंभ हुई। इस समय सहस्त्रों वानर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में आपकी खोज कर रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है कि सर्वप्रथम आपके दर्शन मुझे हुए हैं। माता, रघुवीर को जब पता चलेगा कि आप सकुशल लंकापुरी में हैं, तो निश्चय कीजिए उन्हें यहां आने में तनिक भी देर नहीं लगेगी। अब कोई भी बाधा उनका रास्ता नहीं रोक सकेगी। विश्वास नहीं होता कि मेरे स्वामी का संदेशा लेकर कोई सचमुच मेरे पास आया है। मुझे भय लग रहा है कि कहीं मेरी नींद खुल जाए और मुझे पता चलेगा कि मैं एक स्वप्न देख रही थी। हे कपि श्रेष्ठ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मेरे स्वामी भी मुझे उतना ही याद करते हैं जितना कि मैं उन्हें करती हूँ? मुझे क्षमा करना माता, प्रभु राम का प्रेम आपसे कहीं अधिक है, पर उसे कोई देख नहीं सकता। आप तो किसी राक्षसी से अपने मन की बात कह सकती हैं, परंतु प्रभु की विवशता देखो, वो तो किसी से अपने हृदय की बात कह भी नहीं सकते। सारे झंझावात को अपने हृदय के अंदर दबाकर सूखी आंखों से केवल चारों ओर देखते रहते हैं, किसी से कुछ कहते नहीं, रातों को सोते नहीं, उनकी व्यथा कौन जान सकता है? आते समय मुझसे केवल इतना कहा कि हनुमान, सीता से कहना तुम्हारे जाने के बाद मेरी देह प्राण विहीन हो गई है। बस फिर ऐसा लगा कि उन्होंने मूक भाषा में आपके लिए बहुत कुछ कहा जो शायद आप ही सुन सकती हैं। हाँ, मैं सुन सकती हूँ, मैं सुन रही हूँ हनुमान। उन्होंने मुख भाषा में जो कुछ मुझे कहा वो सब सुन रही हूँ। उनसे कहना कि सीता आप ही की है और आप ही के भरोसे अब तक जीवित है, परंतु अब जीना असहाय हो गया। अब आने में देरी की तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं होगा माँ। तात, तू नहीं जानता मैं कैसे कष्ट में जी रही हूँ। मैंने सब देख लिया है माँ। वृक्ष पर बैठे बैठे रावण का संवाद, इन राक्षसियों का व्यवहार सब देख लिया। और मैंने ये भी देखा है माँ कि एक पतिव्रता नारी का तेज तीनों लोगों के विजेता और घमंडी रावण को कैसे निस्तेज कर देता है। और यह भी देखा है चंद्रहास जैसी जगत विजयी खड़ग घास के तिनके के सामने कैसे सिर झुका देता है। मां, धर्म की शक्ति और अधर्म की दुर्बलता का मर्म आज आपके श्री चरणों के प्रताप से देख लिया है। मां, हमें आशीर्वाद दो कि हम वानर जाति श्री राम प्रभु की सेवा में सफल हो और इन राक्षसों का सर्वनाश कर दें। परंतु वानर राक्षसों का सामना कैसे कर सकेंगे? तुमने देखा होगा, राक्षस तो एक से एक महाभट है और वानर तो सब तुम्हारे जैसे होंगे ना वत्स? हाँ माता, सब मेरे जैसे हैं, परंतु आपके पतिव्रत धर्म की शक्ति जो एक तिनके को तलवार से टक्कर लेने के योग्य बना सकती है, वो शक्ति भी हमारे साथ होगी ना? ठीक है पुत्र, परंतु राक्षस बड़े मायावी हैं। माँ, आपके आशीर्वाद से और श्री राम प्रभु की कृपा से हम भी उनसे कम नहीं हैं। आपको आश्वासन देने के लिए मैं आपको अपना एक मायावी रूप दिखाता हूं। जय श्री राम।
देखो माता, महाराज सुग्रीव की सेना में तो मुझसे भी अधिक बलशाली योद्धा हैं। आप विश्वास कीजिए, हम उनसे कम नहीं। मुझे तुम पर भरोसा हो गया है वत्स, अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ जाओ। जय श्री राम। यही मेरा वास्तविक रूप है। वो लघु रूप तो मैंने वाटिका में प्रवेश के लिए धरा था। आप शंका न करें मां, यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी समय आपको अपनी पीठ पर बिठाकर लंका से ले चलूंगा। आप मेरे साथ चलिए, मैं सीधा आपको प्रभु श्री राम के पास अभी ले चलूंगा। यहां का कोई भी राक्षस मेरे वेग का सामना नहीं कर सकेगा। हम निर्विघ्न यहां से निकल जाएंगे, आप मेरा विश्वास कीजिए मां। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। क्यों, आप डरती हैं कि यदि लंका के राक्षसों ने हम पर आक्रमण किया तो मैं आपके होते हुए कैसे लड़ सकूंगा? नहीं, मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं, पर ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध है कि अपनी इच्छा से पर पुरुष का स्पर्श करूं। रावण जब मुझे उठा लाया वो मेरी विवशता थी पुत्र, परंतु स्वेच्छा से ऐसे करना मर्यादा के विरुद्ध है। दूसरा, मैं चाहती हूं कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले, जिससे उनका गौरव तीनों लोकों में बढ़ेगा। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब आने में विलंब न करें, बस मेरी इतनी ही विनती है। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। तो आने दो, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुक शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कठिन हो सकता है। अब तुम अपने स्वामी के पास जाओ। माता, मैं उनका गुप्त दूत हूं, मेरा यह भी कर्तव्य है कि जाने से पहले शत्रु के बलाबल की थाह ले लूं, अनुमान कर लूं कि उनकी शक्ति कितनी है, उनकी दुर्बलता कहां है, उनकी दुर्ग रचना कैसी है, उनके अस्त्र शस्त्र कहां हैं। यह ज्ञान युद्ध के समय बहुत काम आएगा। दूसरी बात यह है कि मैं एक और भी लीला करना चाहता हूं, जिससे शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न हो और वो सोचने लगे कि यदि श्री राम के दूत में इतनी शक्ति है तो श्री राम प्रभु में कितनी शक्ति होगी। इससे शत्रु का साहस टूटता है और भय युद्ध में उसे निर्बल कर देता है। मेरी चिंता न करो मां, मुझे आज्ञा दें कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा वत्स, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। मां, मुझे भूख भी लगी है, उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल हैं, यहीं से आरंभ करता हूं। पहले फल खाऊंगा फिर वाटिका का विध्वंस करूंगा। कोलाहल सुनकर चिंता ना करना, जाने से पहले एक बार आपकी चरण रज लेने आऊंगा। अच्छा, इस वानर से डर रहे थे, इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है जिसने न केवल हमारे सैनिकों का संहार किया है वरन राजकुमार अक्ष कुमार जैसे महान योद्धा का वध भी किया है। महाराज, ये देखने में जितना सीधा है वास्तव में उतना सीधा साधा नहीं है। ये परम मायावी है, अनेक प्रकार की छल विद्याएं जानता है, इसलिए ये किसी के वश में नहीं आ सका।
इसके साथ युद्ध करते समय एक बार तो मैं भी विचलित हो गया, फिर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके मैंने इसे अपने वश में किया। इसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ा? जी पिताश्री। तब तो ये अवश्य हमारे सामने लाए जाने योग्य है। बोल वानर, किसके बलबूते पर तूने हमारे सुंदर उपवन को उजाड़ दिया? हमारे राक्षस जो वहां के रक्षक थे, तूने उन्हें किस अपराध के कारण मारा? प्रभु, अपने शरीर को स्वस्थ रखना और उसकी रक्षा करना प्राणी का पहला धर्म है। इसी धर्म के अनुसार जब शरीर अत्यंत भूखा हो और खाने का पदार्थ सामने हो तो उसे खा लेने में धर्म और न्याय की दृष्टि से कोई दोष नहीं। मैं 100 योजन समुद्र लांग कर आया था। इस परिश्रम से मैं बहुत थक गया था और भूख भी लगी थी, इसीलिए अशोक वाटिका के फलों पर अपना अधिकार समझकर खा गया। महाराज, रात्रि के समय जब वृक्ष सो रहे हो तो उनके फल और पत्ते आदि तोड़ना वर्जित है, इसीलिए मैं पहले उन्हें हिला हिला कर जगाता था। उनको हिलाने डुलाने में कुछ वृक्ष की जड़ें बाहर निकल आईं। बस फिर आपके सैनिकों ने मेरे शरीर पर प्रहार किया। अपने शरीर की रक्षा के धर्म के लिए मुझे उनसे लड़ना पड़ा। महाराज, जिन्होंने मुझ पर प्रहार नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा, बस केवल मैंने उन्हीं को मारा जिन्होंने मुझे मारने की चेष्टा की, इसीलिए आपके पुत्र राजकुमार अक्ष को मुझे परलोक भेजना पड़ा। महाराज, जो युद्ध की इच्छा से आए उसे मारना अधर्म नहीं। हमारे प्रिय पुत्र राजकुमार अक्ष कुमार का वध करते समय तुम्हें हमारी शक्ति का कोई भय नहीं था? शर्ट, तूने हमारा नाम और हमारी कीर्ति अभी तक नहीं सुनी। सुनी है महाराज, आपकी कीर्ति और आपके कारनामों की यशगाथा सुनी है। कैसे सहस्त्र बाहु के साथ आपने वीरता पूर्वक युद्ध किया था और फिर कैसे वानराज बाली आपको अपनी कांख में दबाए दबाए 6 महीने तक घूमते रहे। आपकी वीरता के चर्चे तो तीनों लोकों में सुनाई दे रहे हैं। महाराज, जो छल से भिखारी का वेश बनाकर किसी अकेली अबला स्त्री को चोरों की भांति उठा लाए, ऐसा परम वीर आपके अतिरिक्त और कौन हो सकता है? वानर, तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है? रावण, जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ, जिन्होंने एक ही बाण से महाबली बाली को मार डाला और खरदूषण का सेना समेत अंत कर दिया। उन्हें पहचानो, उस सारे जगत के स्वामी हैं। तीनों लोकों में उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। समस्त देवता, ब्रह्मा, स्वयं मैं भी उनके सामने सदा नतमस्तक रहते हैं। सुपुत्र, अब भी समय है, जानकी जी को लेकर उन शरणागत वत्सल की शरण में चले जाओ। बहुत हो चुकी है अनर्गल बातें। अपनी मृतात्मा को पानी देने वाले की चिंता करो, हमारे लिए तुम्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देव, दानव, यक्ष, गांधर, किन्नर, नाग, असुर, यहां तक कि कोई भी योनि का प्राणी हमें नहीं मार सकता।
उस वरदान में नर और वानर से आपको निर्भय नहीं किया गया था। भगवान श्री राम इस समय नर रूप में है और सुग्रीव वानर है। राजन, मैं फिर हाथ जोड़कर कहता हूं, श्री राम के साथ द्रोह करने वाले को स्वयं शंकर विष्णु ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। राम से विमुख होकर लाखों करोड़ों की संपत्ति भी ऐसे ही श्रीहीन है जैसे एक नारी का शरीर सोने के आभूषण पहनकर भी वस्त्रों के बिना मर्यादाहीन ही रहता है। महाराज रावण, मैं आपको अंतिम चेतावनी देता हूं कि जिन्हें आप सीता समझ रहे हैं वो विष मिले भोजन के समान आपकी मृत्यु का संदेश है। सीता का रूप धारण करके आपके पास काल की फांसी आ पहुंची है। महाराज रावण, यह अंतिम चेतावनी है, नहीं तो मरने के लिए तैयार रहो। मैं स्वयं भी तुम्हें मृत्यु दंड देने की शक्ति रखता हूं, परंतु मुझे श्री राम की आज्ञा नहीं। वैसे भी ये गौरव श्री राम को ही मिलना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है, अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जली पूंछ लेकर ही अपने स्वामी के पास जाए और वहां इसके मित्र और कुटुंबी जन इसे दीन और पीड़ित अवस्था में देखकर दुखी हों। राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे नगर की सड़कों चौराहे पर घुमाएं, जिससे राक्षसों के बच्चे जलती हुई पूंछ वाले वानर को देखकर प्रसन्न हों। यह हमारी आज्ञा है। महाराज तो उसे जीवित दंड देने वाले थे, परंतु मंत्रियों के कहने से कि दूत का वध नीति विरुद्ध है, उन्होंने आज्ञा दी है कि उसकी पूंछ जलाकर अंग भंग कर दो। वानरों को तो अपनी पूंछ से बहुत ममता होती है, बहुत दुखी होगा। दुखी क्या होगा, आग में पूंछ जलेगी तो मछली की भांति तड़पेगा। वानर है, जैसे जैसे उसकी पूंछ पर तेल से भिगोए वस्त्र बांध रहे हैं, वैसे वैसे उसकी पूंछ लंबी से लंबी होती जा रही है। जितनी पूंछ लंबी करेगा उतनी ही आग अधिक फैलेगी, उतना ही अधिक तड़पेगा। कितना मूर्ख है वानर, जो ठहरा मूर्ख तो होगा ही। हे अग्निदेव, यदि मैंने पति की अनिष्ट सेवा की है, यदि मेरे पति भक्ति में कोई खोट नहीं, यदि मुझ में तपस्या अथवा पतिव्रत धर्म का बल है,
तो मेरे पुत्र हनुमान के लिए आप शीतल हो जाइए। श्री राम। सारी लंका नगरी को जलाकर राख कर सकता है, स्वयं उनकी शक्ति का विचार कीजिए। ये शकुन अच्छे नहीं है नाथ। मैं आपसे फिर कहती हूं कि सीता सारी लंका का सर्वनाश करने आई है, उसे राम के पास वापस भेज दीजिए। अब भी समय है नाथ। मंदोदरी, वीर पुरुषों की पत्नियां उन्हें कायरता की शिक्षा नहीं देती। सिंह एक बार जो शिकार मार लेता है, फिर उसे किसी के डर से वापस नहीं करता। लंकेश, मेरे आदरणीय भ्राता, कभी कभी काम और क्रोध की उत्तेजना के आवेश में कुमति मनुष्य को कुमार्ग की ओर खींच कर ले जाती है, परंतु अपनी भूल का भान होते ही सुधार कर लेने में ही समझदारी है। हे दशानन, आप मद में चूर होकर एक पर नारी को यमपाश के समान अपने गले में बांध कर ले आए हो। महाराज, वो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। विभीषण, तेरे सिवा किसी और ने ऐसा प्रलाप किया होता तो इसी क्षण उसे प्राणों से हाथ धोना पड़ता। क्षमा, क्षमा लंकेश्वर, विचार विमर्श में इस प्रकार प्रकोप शोभा नहीं देता। हे वेदवेत्ता, तनिक विवेक से काम लीजिए। जिस पर नारी का उसकी इच्छा के विरुद्ध पार्श्विक बल के जोर पर हरण किया जाए, ऐसी नारी विष बुझी पैनी कटार के समान होती है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं भैया, कि सीता को सम्मान के साथ उनके पति के पास पहुंचा दीजिए।
इससे आपका मान घटेगा नहीं, परंतु तीनों लोक में सुयश फैलेगा। मान बढ़ेगा नहीं, तीनों लोक हमें कायर कहेंगे। जहां वीर पुरुषों की सभा होगी, वहां सब हमारी हंसी उड़ाएंगे। वीर पुरुष एक बार जो कदम उठा लेता है, उसे पीछे हटाने में वीरता को दाग लगता है। परंतु नीति 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 शक्तिहीन पुरुषों का बुना हुआ एक ऐसा जाल है जिसमें वीर पुरुष कभी नहीं फंसता। नीति शक्ति की सेविका होती है। जो शक्तिशाली करता है वही नीति है, वही धर्म हो जाता है। नहीं भ्राता, नहीं, यह अधर्म है, और अधर्म कभी धर्म का स्थान नहीं ले सकता। यह क्रूर शारीरिक बाहुबल धर्म को नहीं मिटा सकता। धर्म के पास आध्यात्मिक बल है, उसके साथ दैवी विधान की शक्ति है। केवल आपके इस अधर्म कार्य से सारे कुल का विनाश हो जाएगा। मैं अपने कुल के कल्याण के लिए आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूँ। पैर छूकर प्रार्थना नहीं, दशानन का गर्व से उठा शीश शत्रुओं के चरणों में झुकाने का षड्यंत्र कर रहा है। हमें पता चल गया है, वह वानर पहले तेरे घर में आया। तूने सीता का भेद बताया, उसने सारी लंका में आग लगाई, पर तेरा घर ही बचाया। घर का भेद बताने वाले तू बाल्यकाल से ही हमारा विरोधी रहा है। सारी लंका में अकेला तू ही अपनी ढाई चावल की खिचड़ी सदा अलग पकाता चला रहा है। हमें नीति और धर्म सिखाने चला है। जा कुलांगार, घर के भेदी उन वनवासियों को जाकर नीति सिखा जिन पर तेरी घनी प्रीति रही है। जा। भैया मुझे गलत न समझिए, आप मेरे लिए पिता समान हैं। मैंने निष्कपट और निर्दोष भाव से सदा आपका भला ही चाहा है, सर्वदा आपके कल्याण की कामना की है। इसी भाव से मैं फिर आपके चरण पकड़कर प्रार्थना करता हूँ कि श्री राम त्रिलोकी के स्वामी हैं, उनसे बैर मोल न लीजिए। हट कुल कलंक, जा मेरी नजरों से दूर हो जा, जा लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है, जा। पर हंसने वालों, मुझे तुम पर दया आती है। मैं तुम सबके सिर पर मंडराते हुए काल को देख रहा हूं। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अपने विनाश की ओर जाते हुए प्राणी को यदि भगवान भी कल्याण की बात समझाने आए, तो अपने अहंकार के मद में डूबे उस अंधे प्राणी को भगवान भी पागल दिखाई देता है। और अपनी दुर्बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर आप लोगों की भांति हंसता हंसता अपने विनाश के गर्त में डूबता चला जाता है। हे लंकापति, हर प्राणी का यह प्रथम धर्म है कि जब तक संसार में जिए स्वाभिमान के साथ जिए, क्योंकि स्वाभिमान के बिना जीने को जीना नहीं कहते, उससे तो मर जाना उत्तम है। दूसरी ओर
नीति के अनुसार भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना उसे मृत्युदंड देने के बराबर है। अर्थात आज से हर प्रकार से मैं आपके लिए मर गया। आपका और मेरा कोई संबंध शेष नहीं रहा, अतः आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर कहीं और चला जाता हूं। जाते हुए भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। इस प्रकार रहस्यमय ढंग से आने वाले तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, किस विचार से आए हो? सावधान, सब सच सच बताना। मैं जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा, क्योंकि असत्य भाषण मेरा स्वभाव नहीं है। यदि मेरा अनुमान ठीक है तो आप किष्किंधा नरेश वानरराज सुग्रीव लगते हैं। तुम्हारा अनुमान ठीक है, अब अपना परिचय दो। हे कपिराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं लंकापति महाराज रावण का छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। जब से वो देवी सीता को पंचवटी से हर कर लाए हैं, हमारे बीच मतभेद बढ़ता ही गया है। मेरे बार बार ये कहने पर कि देवी सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए, उन्होंने मुझे बहुत सी कठोर बातें कहकर मेरा अपमान भी किया। इसी से मैं अपना घर बार छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूं। भगवान राम शरणागत वत्सल हैं। आप जाकर उन्हें निवेदन कीजिए कि विभीषण उनसे शरण मांगने आया है। अच्छी बात है, हम श्री राम तक आपका संदेश पहुंचा देते हैं, परंतु तब तक आप वहीं रहिए, हमारी छावनी में आने की चेष्टा मत करिए। इन पांचों का ध्यान रखो, हमारे आने तक इन्हें नीचे मत उतरने देना। जो आज्ञा महाराज। आओ मित्र, बैठ। रघुनाथ जी, अपने आप को लंका के राजा रावण का छोटा भाई बताने वाला एक असुर आया है, आपकी शरण में आना चाहता हूं, यह कहकर वह आपके पास आने की आज्ञा चाहता है, परंतु वह शत्रु का भाई है। इस बात को गंभीरता से सोचना चाहिए कि उसको अपने शिविर में आने की अनुमति दी जाए या नहीं। आप सबका इस बारे में क्या मत है? संभव है वो रावण का कोई गुप्तचर हो। भाई हो या गुप्तचर हो, है तो हमारा शत्रु ही। इन मायावी राक्षसों का क्या भरोसा? शरण की बात कहकर हमारे दल में घुसकर अंदर ही अंदर हमारा अनिष्ट करें, हमारा विश्वास जीतकर हम लोगों पर ही प्रहार करें। भगवान, हमें उसकी बातों में ना आकर
उसे तुरंत बंदी बना लेना चाहिए। वानर राज, जिसके हृदय में कपट हो वो इस प्रकार खुल्लम खुल्ला सामने नहीं आता, उससे उसका परिचय पूछना चाहिए। वो कौन है, क्या नाम है उसका? विभीषण नाम बताया है उसने अपना। विभीषण? क्या विभीषण नाम बताया उसने? क्यों, क्या शंका उत्पन्न हुई नाम सुनकर? शंका? शंका के तो बादल छट गए विभीषण नाम सुनकर। यदि वास्तव में वो विभीषण ही है तो? हनुमंत, तुम ऐसे कह रहे हो जैसे विभीषण अपना स्वजन हितैषी हो। वो हो नहीं सकता, आखिर वो रावण का भाई है, एक राक्षस है, सो मनमाना रूप धारण कर सकता है। राक्षसों में अंतर्धान होने की शक्ति भी होती है, वो अवसर पाकर हमारी बहुत हानि कर सकता है। राक्षस जाति का है, इसीलिए वो दुष्ट या दुर्जन हो ये मान लेना अन्याय है। कोई भी प्राणी जाति से अच्छा या बुरा नहीं होता, वो तो अपने कर्मों से अच्छा और बुरा होता है। राक्षसों में भी राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी, प्रहलाद जैसे हरिभक्त हुए हैं जामवंत जी। उसी प्रकार विभीषण भी आपका परम भक्त है प्रभु। बल्कि सीता माता ने तो मुझे यह भी बताया था कि विभीषण अपनी बेटी के हाथ चोरी छुपे कभी कभी उन्हें भोजन भी भेजता रहता है। हो सकता है उस समय उसकी पुत्री ने सहानुभूति के कारण ऐसा किया हो, परंतु आज स्थिति दूसरी है। लंका में सब जानते होंगे कि इस समय श्री राम की सेना समुद्र के उस पार पहुंच गई है। इस समय विभीषण का अपने भाई के बैरी के पास आने का न तो उचित समय है और न उचित स्थान। जो संकट में अपने सहोदर भाई को छोड़ दे उस पर तनिक सोच समझकर विश्वास करना चाहिए भैया। लक्ष्मण, लक्ष्मण और भरत जैसे भाई इस संसार में तो क्या तीनों लोगों में दुर्लभ है, अतः उनके मापदंड से सबको मापना उचित नहीं है। वानर राज, आप सबके विचार मैं एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अब आप सब मेरे विचार भी सुने, उसके पश्चात अपना निर्णय दें। संभव है विभीषण में कुछ दोष हो, उसके मन में कुछ दुराव भी हो, परंतु मेरा एक प्रण है कि जो शरण में आए उसे अभय कर दूं। मित्रता की याचना करता हुआ कोई शरणार्थी बनकर आया है उसे ठुकराना दोष है। दोषी को आश्रय देना भले ही वो ठगने क्यों ना आया हो सत्पुरुषों के लिए उचित है। ठगना पाप है, ठगे जाना नहीं। आपका निर्णय उत्तम है प्रभु, और धन्य है आपके आदर्श। हम लोग उसके स्वजन नहीं, फिर भी वो आपसे शरण मांगने आया है, मुझे इसमें कोई कपट दिखाई नहीं देता। मैं आप सबके विचारार्थ एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं, आप उसे ध्यान से सुने। पूर्व काल में महर्षि कण्व के पुत्र महान सत्यवादी महर्षि कंडू ने एक धर्म विषयक निर्णय दिया था। आर्तो वा यदि वा दृष्ट परेषां शरणं गतः अरे प्राणानां परित्यज रक्षितव्यः कृतात्मना। यदि शत्रु भी शरण में आए और दया की याचना करे तो उसे भी निराश नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या दुरात्मा, यदि वो विपक्षी की शरण में आ जाए तो निर्मल मन वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वो ऐसा नहीं करता तो पाप का भागी होता है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है। यदि शरण में आया हुआ प्राणी रक्षक के सामने नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्यों को ले जाता है। मैं आज महर्षि कंडू के उस यथार्थ और उत्तम वचन का पालन करूंगा। मैं तुम्हारा हूं, यदि ऐसा कहकर कोई मेरी शरण में आया है तो उसे ग्रहण न करना
महान अधर्म होगा। हे कपिश्रेष्ठ, ये तो विभीषण है। यदि स्वयं रावण भी शरणागत बनकर आए तो भी मैं अपना पन निभाऊंगा, उसे शरण दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। पधारिए, श्री राम प्रभु आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक टक पल रोकी। हे नाथ, मैं महाराज रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। हे देवताओं के रक्षक, मुझ में सारे अवगुण हैं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा शरीर तामसी वृत्ति का है, जिसके कारण स्वभाव से ही मुझे पापों से लगाव रहा है। ये सब होते हुए मैं आपके दर्शनों का भी पात्र नहीं हूं, फिर भी आपकी यशगाथा सुनकर आपसे मिलने आया हूं। प्रभु, आप शरणागत भयहारी हैं। जिसे आपकी शरण मिल जाए उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाती है। प्रभु, मुझे महाराज रावण ने अपमानित करके लंका से निकाल दिया है। मैंने उन्हें अधर्म और अनीति से बचाने के लिए इस बात पर जोर दिया था कि देवी सीता को सम्मान के साथ आपके पास पहुंचा दिया जाए और लंका तथा लंका की निर्दोष प्रजा को युद्ध के संहार से बचाया जाए। परंतु वो किसी प्रकार नहीं माने। मैंने अपना मुकुट तक उनके चरणों में रख दिया। उन्होंने उसे भी ठोकर मारकर दूर फेंक दिया। अब मैं अपमानित और तिरस्कृत होकर अपना परिवार, धन संपत्ति सब छोड़कर आपकी शरण में आया हूं। प्रभु, आप शरणागत वत्सल हैं। मेरे अवगुण चित्त न धरो प्रभु, मेरी रक्षा करो। प्रभु, मेरी रक्षा करो। आप हमारे शत्रु को त्याग कर हमारे पास आए हैं, अतः आप हमारे मित्र हैं। सो मित्र का स्थान ग्रहण कीजिए। स्वामी, मैं तो एक सेवक बनने आया था, आपने मुझे मित्र का स्थान दे दिया। मैं इसका पात्र नहीं था। यह आपकी विनम्रता है और यही आपकी महानता भी है लंकेश। लंकेश, प्रभु, लंकेश तो इस समय महाराज रावण है। आपने एक शरणार्थी को ये संज्ञा कैसे दे दी?
रावण तो केवल कुछ ही दिनों के लिए लंकेश रह गया है। उसके पाप कर्म, उसकी सारी शक्तियों को क्षीण करके उसकी मृत्यु को बहुत समीप ले आए हैं। तत्पश्चात लंका का राज सिंहासन आपको ही संभालना पड़ेगा। युद्ध के पश्चात लंका की प्रजा को एक धर्मपरायण राजा के द्वारा सुख और शांति देने का उत्तरदायित्व तो जितना हमारा होगा उतना ही आपका भी होगा। आपकी प्रजा का हित आपसे अधिक और किसके मन में होगा? हे प्रभु, आप सचमुच त्रिकालदर्शी हैं। यही बात आज मेरी पूजनीय माता ने मुझसे कही थी, जो मेरे पूज्य पिता श्री महर्षि विश्रवा हिमालय जाते हुए उन्हें कह गए थे कि महाराज रावण के पश्चात मुझे प्रजा की सेवा का कार्य संभालना पड़ेगा। और सच्ची बात यह है प्रभु कि मैं अपने मंत्रियों की सम्मति से आपकी शरण में इसी आशा से आया हूं कि लंका की निर्दोष प्रजा की ओर से आपसे दया की भीख मांगूं, जिससे एक पापी के पाप के कारण सारी प्रजा को दंड न भुगतना पड़े। मित्र, हम तुम्हारी प्रजावत्सलता की सराहना करते हैं। हम तुम्हें वचन देते हैं कि हमारी सेना का कोई भी सैनिक लंका के किसी निर्दोष नागरिक को क्षति नहीं पहुंचाएगा, बल्कि मेरी सेना तुम्हारी प्रजा की रक्षा करेगी। हम केवल उन्हीं का संहार करेंगे जो युद्ध की इच्छा से हमारे सन्मुख आएंगे। मैं लंका निवासियों की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आपने अपने सेवक के साथ उन सबको निर्भय कर दिया। आपसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? प्रभु, यही अनुकंपा बनाए रखिएगा। तुम अनुकंपा की बात करते हो, हमें तो तुमसे बड़ी सहानुभूति है मित्र, कि उस दुष्ट मंडली में भी तुम कैसे अपने धर्म और अपनी नीति की रक्षा कर सके। कहते हैं कि दुष्टों की संगति से तो घोर नरक में रहना उत्तम है। मैं हनुमान से सारी गाथा सुन चुका हूं कि ऐसे वातावरण में तुम किस प्रकार भक्ति की भावना में अचल और अडिग होकर खड़े हो। प्रभु, सारी शक्ति भक्ति ही देती है, उसमें भक्त की कोई शूरवीरता नहीं। जिस क्षण आपकी छवि मन में उदय हो जाती है, उसी क्षण मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि भाग जाते हैं। अन्यथा तो मुनिगण भी सहस्त्रों वर्ष ध्यान लगाकर भी कुछ नहीं पाते। यही परम सत्य है, जो संसार का माया मोह, भाई बंधु, मित्र, परिवार, छल कपट सब कुछ छोड़कर केवल एक प्रभु की ही शरण में जाता है, जिसका और कोई आसरा नहीं होता, उसे भगवान स्वयं आश्रय देते हैं। मित्र, तुम हमारी शरण में आश्रय मांगने आए हो। हमने तुम्हें लंकेश कहा है, हमारे बाण की भांति हमारा वचन भी अमोघ है, जो झूठा नहीं हो सकता। रावण ने तुम्हारे मुकुट को ठोकर मारकर दूर फेंक दिया है, उसके बदले हम आपको राज मुकुट पहनाएंगे। महाराज सुग्रीव, आप समुद्र का पवित्र जल मंगवाइए। सागर में समस्त तीर्थों के जल का समावेश है। अपनी सेना के सामने उसी पवित्र जल से हम लंका के भावी नरेश महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करेंगे। लक्ष्मण, छावनी के मध्य में उचित प्रबंध किया जाए। जी भैया, करता हूं। जो संपत्ति शिव रावण नहीं दीन दिए दस मात
सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीनी रघुनाथ। लंकापति महाराज विभीषण, लंका का राज्य आपके लिए कल्याणकारी हो। लंका नरेश महाराज।